हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की गणित की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 11, जो कि आपकी डेट 30 जुलाई की है। आज हम करेंगे संख्यांकी। निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, तो पहले हम देख लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, निम्न वर्ग सीमा क्या होती है? वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान, सबसे छोटा नंबर। ऊपरी वर्ग सीमा होती है वर्ग अंतराल का अधिकतम मान, सबसे ज़्यादा मान। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं और दो से भाग कर देते हैं। वर्ग माप निकालना हो तो ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, 35 लोगों का वजन दे रखा है किलोग्राम में, 12 बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बटन फाड़ने को पूरा कीजिए। तो देखिए, ये आपको बनानी आती है। हमने यहाँ 40 से 45, 45 से 50, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, पाँच पाँच का अंतराल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन होती है 1, 2, 3, 4, और ये इसको हम पाँच गिनते हैं, तो ये पाँच है तो पाँच लिख दिया। यहाँ सात लिखा है तो सात लाइन बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हर पाँच का थोड़ा गैप देके फिर हम पाँच लिखते हैं। अब 50 से 55 में देखिए, काउंट कीजिए, 5 और 5, 10 और 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। फिर ये देखिए कितना है, 5 और 6, 7, 7 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, वर्ग अंतराल 55, 60 की निचली सीमा, तो ये जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 55 निचली सीमा हो जाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल 45, 50 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के, यानी कि 45 और 50 को जोड़ो और दो से भाग कर दो, तो ये कितना आएगा। जब आप इसको भाग वो करेंगे तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, 5 और ये हुआ आपका 9, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा। वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा देते हैं, तो आप किस में से घटाएंगे, 50 में से 45 को घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य क्या होता है, अवर्गीकृत बारंबारता के लिए हम पहले देखते हैं, तो उसमें x1 x2 x3 xn आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, तो हम माध्य कैसे निकालेंगे, जितने भी एक्स आई हैं सबको जोड़ दो और कितने संख्या हैं एन से उसको भाग कर दो। यहाँ एन जो है आंकड़ों की संख्या है। फिर है वर्गीकृत बारंबारता, अगर वर्गीकृत दे रखा है तो उसके लिए एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा होता है, सम्बिशन होता है, यानी कि जोड़ योग। एक्स आई क्या है, वर्ग की निम्न सीमा, और एफ आई क्या है, वर्ग की बारंबारता। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में ज़रूर लिखना होता है। यदि एन विषय विषम हो, मान लीजिए पाँच संख्या है हमारे पास, तो पाँच क्या होता है, विषम होता है, तो माध्यक हमारा क्या निकलेगा, 5 जमा 1/2, यानी कि 6/2, तीसरा प्रक्षेषण मान, ठीक है। थर्ड, तीन नहीं निकलेगा, तीसरे नंबर पे जो वैल्यू लिखी होगी वो लिख लेगी। अगर एन सम होता है तो क्या करते हैं, सम होता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने, मेरे पास आंकड़े हैं 6, ठीक है, 6 आंकड़े, तो जो आपका माध्य निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 6/2, और यहाँ पे आना चाहिए था 6/2 + 1, यानी कि ये आपका लिखना चाहिए था एन अपॉन में 2 जमा 1, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 हो गया, और यहाँ देखिए 3 और 1 4, तीसरा और चौथा मान, तो जब आप गिनती करेंगे तीसरे और चौथे मान पे जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देंगे तो आपका माध्यक निकलेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुलक क्या है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रक्षेषण, जो नंबर सबसे ज़्यादा आता है वो आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 75 से 95 तक के बीच की विषम संख्याएं कितनी, 77, 79, ये सारी हमने संख्या लिख ली। अब एन कितना है, 9, 9 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो, 9 से भाग कर दो, 85 आ गया। माध्य कैसे निकलेगा, 9 संख्या है, तो 9 हमारा क्या है, विषम, विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब होती है तो इसमें 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो 10/2 कितना काट का है, 5, यानी कि पाँचवें नंबर पे जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, माध्यक होगी। तो पाँचवें नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 85,
85 आपका आंसर क्या होगा, माध्यक हो जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है, जो नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है वही आपका बहुलक है, तो इसमें जो 15 है वो हो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूछे हैं ना, तो ये 6 संख्या हो गई, इनका वर्ग, वर्ग 0 का वर्ग 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इन सबको जोड़ दीजिए और टोटल संख्या कितनी है 6, 6 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड है, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं ये, इनका माध्यक 25 दिया है और x की मान निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 संख्याएं यानी कि सम संख्याएं, तो हम क्या करेंगे 10/2 10/2 + 1 इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करना है, तो यानी कि पांचवा और छठी संख्या लेनी है और 2 से भाग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 x/2 और x/4 ये दोनों लेना है, x + 2 x + 4 लेके 2 से भाग करना है। अभी हम देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से नीचे दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना है यानी कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए s 1, 2, 3, 4 s जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड का हम आंसर एक बार देख लेते हैं, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन था 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना था, तो प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं मैंने लिख दी, इनका वर्ग लिख दिया है, इनको सॉल्व करके मैंने ऐसे लिख दिया है, अब हम इनको जोड़ेंगे और 6 से भाग करेंगे, तो 55/6 आएगा, आपका 9.166 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये आपको संख्या दे रखी थी, इसका माध्यक बता रखा था 25, तो ये आपकी सम संख्या है, जब सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले 2 से भाग करेंगे, सीधा आप 2 से भाग कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 और उसमें एक जोड़ दीजिए 6, यानी कि यहाँ से पांचवी और छठी आपको संख्या लेनी है क्वेश्चन में से, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन लेनी है, उसको 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़ना है, तो x + 2 x + 4/2 इनको जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 6 और ये इधर जाएगा, ये 25 था, 25 से 2 को भाग गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 6 उधर जाके घटेगा 44 आएगा, 2x 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 22, यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है थोड़ा माध्यक निकालने वाले में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, जब आपकी विषम संख्या है, फॉर एग्जांपल x अगर 9 है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें एक जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो कितना आएगा 10/2 5, तो पांचवें नंबर की जो भी संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। लेकिन जो सम संख्या वाला होता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सम संख्या में आपको बस n/2 करना है, यानी कि 10/5 किया तो 5 आया, और 5 से एक आगे चले जाओ 6, तो पांचवी और छठी संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, हमने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। आपके इसमें वर्कशीट में ये n/2+1 ऐसे लिखा है, ये ऐसे ना हो के ये होगा n/2+1, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching.